आज मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर 40 भारत माता चौराहे नीमच पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इनकी प्रमुख मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी में सम्मिलित किया जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। बताते चले कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सामने आवाज उठाते रहे हैं। 24 तारीख से मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अंतर्गत समस्त कंपनियों में कार्यरत बोर्ड, कंपनी कैडर, संविदा और आउटसोर्स विद्युत अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होकर कार्यों के बहिष्कार पर उतारू हो गए हैं। इस आंदोलन को विद्युत मंडल के पेंशनर संघ का समर्थन भी प्राप्त है। इनका कहना है कि 5 जनवरी को ऊर्जा सचिव द्वारा हमारी मांगे हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस दिशा में 19 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस काम नहीं हुआ, इसलिए हमें आंदोलन पर जाने का कदम उठाना पड़ा। यहां उल्लेखनीय है कि पूरे मध्य प्रदेश में 80,000 और नीमच जिले में लगभग 1150 कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन में शामिल है। इनके आंदोलन पर जाने से तमाम तरह की विद्युत व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये आंदोलन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के बैनर तले किया जा रहा है। आज मीडिया तक मतलब सरकार तक पहुँचाओगे और हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और 5 सूत्री मांगों के लेके हम 6 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे थे, मगर 5 जनवरी को हमारे ऊर्जा सचिव PA CCU जो है उनसे मीटिंग होती है और उन्होंने बोला कि आपकी मीटिंग 15 दिन का समय दे और हम मामा जी से करवाते हैं, मुख्यमंत्री से करवाते हैं, मगर 15 दिन का समय निकल गया और उसके बाद हमने फिर अवगत कराया तो हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद हम 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आउटसोर्स कर्मचारी और सुविधा कर्मचारी चल रहे हैं। इसके बीच में हम यूनाइटेड फोरम के माध्यम से 22 तारीख से हमारे साथ हमको समर्थन मिला है हड़ताल के लिए और पेंशन संघ का भी हमारे साथ। हम पूरे प्रदेश में हम 80,000 कर्मचारी और हमारी मेन मांगे है संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी में सम्मिलन किया जाए और पेंशन बीमा किया जाए। हमारी जो मांगे है हमारी 5 रुपये मांगे ये सरकार जाते नहीं मानेगी और निश्चित करने पर हड़ताल पर रहेंगे। ये कुछ भी 5-6 जनवरी से आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है और उनको ऊर्जा सचिव ने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मांगों के संबंध में चर्चा करके आपकी मांगे मनवा देंगे, लेकिन 15 दिन का जो समय दिया था उस समय बीतने के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए ये लोग 21 तारीख से हड़ताल पर हैं और उनके समर्थन में यूनाइटेड फोरम और पेंटर संघ और अन्य संगठन हमारे MPB के सभी उनके समर्थन में आ गए हैं और हड़ताल पर। बिजली पर निश्चित रूप से बिजली पर इसका बुरा असर पड़ेगा और आम पब्लिक इससे परेशान होगी। हालांकि हम लोग ऐसा कतई नहीं चाहते कि कोई भी उपभोक्ता हमारा परेशान हो, लेकिन सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है तो ये हमको मजबूरी में करना पड़ता है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।